टायर की चौड़ाई दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। देखो एक और लगभग डेढ़ से थोड़ा ज़्यादा, मतलब अगर अंगूठा हटा देते हैं तो लगभग डेढ़ से थोड़ा ज़्यादा है। उसकी विड्थ है लगभग 310 mm के आसपास में। भाई इतना चौड़ा टायर है, इतना चौड़ा टायर, ट्रैक्टर का जो रियर टायर होता है ना लगभग उतना चौड़ा लग रहा है देखने में, और एक्चुअल में है भी। ये टायर की साइज़ है, फ्रंट टायर मिलता है 130/70/19 और रियर टायर मिलता है 310/35/18। ड्राइव वेट है 275 kg बाइक का। 20 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने मिल जाता है। डुअल डिस्क फ्रंट के अंदर और डुअल चैनल एबीसी के साथ आती है बाइक। ये फ्रंट टायर है, ये भी भाई काफ़ी चौड़ा है टायर का, ठीक है। अगर मैं आपको रियर टायर सेट दोबारा ले चलता हूँ, आपको एक मस्त चीज़ दिखानी है इसके बारे में। इसका नाम है बेंडा। अब ये बेंडा से मुझे वांडा याद आ रही है मारल वाली, बट नाम ओहो काफ़ी यूनिक लग रहा है। अभी एक बंदे ने टक्कर मार दी थी यार। ये LED टेल लाइट है इस बाइक की, और यहाँ पे आपको चैन इस प्रकार देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, और ये इसके लिए लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए। बाइक सीरियसली काफ़ी ज़्यादा ओसम लग रही है देखने में, मतलब एक होता है ना भाई मस्कुलर लुक, तो मस्कुलर लुक इस बाइक के अंदर ठोक के घुसा गया। और भाई बैठने में क्या लग रहा है, मतलब एक अलग ही फील आ रहा है, एक एक्सट्रीम लेवल का, क्या ही बताऊँ यार। ये इसके मिरर है, यहाँ पे आपको क्लच देखने मिल जाती है, यहाँ पे ब्रेक्स है नॉर्मल बाइक की तरह, यहाँ पे मोड्स वगैरह सेट करने के लिए, और नॉर्मल स्विच है हैजार्ड के लिए, एक क्लच स्विच है, ये पार्किंग लाइट्स ऑन करने के लिए, ये सेल्फ के लिए, और हॉर्न इंडिकेटर्स नॉर्मल स्विच ही है। ये लीवर्स एडजस्ट भी होते हैं, इस साइड का लीवर भी एडजस्ट होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, अगर इस तरह की बाइक, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रॉपर बाइक ही है, प्रोडक्शन रेडी बाइक है, और जिस तरह का इसके टायर्स हैं, लुक्स है ना, इस तरह के लुक्स और टायर्स अगर आपको लेने हैं सुपर बाइक के अंदर, तो उनकी प्राइस होती है लगभग 30-35 लाख। बट इस बाइक की प्राइस इतनी नहीं रहेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसका नाम है LFC 700 बेंडा की बाइक है, ये बेनेली के अंडर आती है बेंडा, और फोर सिलेंडर बाइक है, फोर स्ट्रोक इंजन है, 680 cc का इंजन यहाँ पे दिया जाता है, 92.5 hp की पावर है, 11,000 rpm पे प्रोड्यूस करती है इतनी पावर, 63 Nm टॉर्क है जो कि 8,500 rpm पे प्रोड्यूस करती है। 20 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने मिल जाता है, 275 kg इसका ड्राइव वेट है, और ये इसकी DRL है, अभी ऑन करिए। अरे यार इग्निशन फिर कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे इग्निशन है इसका, ठीक है अभी एक बार ऑन करके दिखाऊंगा मैं आपको दोबारा से। तो ये इसकी DRL थी, और ये हेडलाइट नहीं है भाई, ये कुछ और ही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, ये हवा ले जाने के लिए अंदर। और हेडलाइट कहाँ है फिर इसकी, यही है क्या हेडलाइट, आई थिंक मेन हेडलाइट ये ना, तो एक बार ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी की लगती है, यहाँ से ऑन हो जाती है, और ये इसका TFT मीटर है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में वैसे। और इसकी हेडलाइट कहाँ से ऑन होगी यार, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यही मेन हेडलाइट है, क्योंकि इसके अंदर LED बहुत काफ़ी हैवी है। और सेटिंग पोजीशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर क्रूजर वाला सेटिंग पोजीशन आप देखने को मिलेगा। जैसे आप बैठते हो ना, तो आपके पैर दोनों प्रॉपर आगे की साइड रहेंगे, और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बैठते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से। और ये इसका साइड स्टैंड है, इसको अगर आप बंद कर देते हो ना भाई, हटा देते हो, तो ये थोड़ा इंटीग्रेटेड हो जाता है, अंदर साइड दिखता नहीं इतना ज़्यादा। और इंजन काफ़ी बड़ा है, एक तो 698 आपने देखा था ना, मैंने आपको बताया था लगभग 680 cc का इंजन है, और 4 सिलेंडर इंजन है ये, आवाज़ बहुत ही गजब करेगी बाइक, और इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है, मतलब थोड़ी कम प्राइस में आपको देखने मिलेगी ये 4 सिलेंडर बाइक। और लुक्स बिल्कुल सुपर बाइक से भी ज़्यादा हैवी, कहीं ना कहीं कुछ सुपर बाइक्स ऐसी है 1000 cc में जो कि इतनी तगड़ी लुक्स भी नहीं दे पा रही जितनी ये इसकी देखने को मिल रही है ना भाई, अलग ही लेवल की चीज़ है यार सीरियसली। और इस साल ये लॉन्च होने वाली है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कन्फर्म लॉन्च रहेगा इस साल इसका। मैंने यहाँ पे जो बेंडा के बंदे हैं ना उनसे बात करी थी, वो रहते 8वें-9वें महीने के आसपास में, या फिर आप मान के चलो लास्ट 2023 के एंड में इस बाइक को लॉन्च कर दिया जाएगा। प्राइस का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मेरे को जहाँ तक आइडिया लग रहा है प्राइस लगभग इसकी 9-10 लाख रुपये के आसपास रहेगी मिनिमम से मिनिमम, या इससे थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, या फिर इससे कुछ कम भी हो सकता है। तो प्राइस के बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी, कोई आइडिया नहीं है, बट ये लॉन्च कन्फर्म रहेगी, होगी इंडिया के अंदर, और फुली आपको सुपर बाइक ही, ये सुपर बाइक ही है दरअसल, 600 cc इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, इनलाइन 4 सिलेंडर, तो एक तरह से सुपर बाइक ही है भाई। लेकिन प्राइस काफ़ी बढ़िया रखेंगे, मेरे को ऐसा फील आ रहा है इसको देख के। तो बाकी स्टूडियो ये सुपर वीडियो, अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक क्लियर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो, खुश रहो यार।